जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। मेरे साथ गुरु रहमान सर हैं, चर्चा करेंगे NIOS को लेकर, जो लगातार अभ्यर्थी हतोत्साहित चल रहे हैं। लगभग 14 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हैं, जो कि NIOS से डिग्री लिए हैं, लेकिन अब उनके साथ क्या होगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब BPSC शिक्षक भर्ती होती है, पिछला बार भी कुछ ना कुछ आ चुका था सुप्रीम कोर्ट से, इस बार भी फैसला आ गया और अभ्यर्थी अब परेशान चल रहे हैं, सर उस पर क्या कहिए। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बोलूंगा, और चूंकि मैं गुरु हूं और गुरु की उपाधि मैंने खरीदी नहीं है, मुझे दी गई है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई भी बात मैं घुमा फिरा कर बोलूं तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ मैं अहितकारी कार्य करूंगा। एक बात स्पष्ट है कि NIOS वाले निराश हो, हताश हो, हमको गाली दें, आपको गाली दें, किसी मीडिया वाले गाली दें, जो करना है करें, लेकिन जो सच है सच बोले बिना हम नहीं रह सकते हैं। मैं गुरु हूं, अगर सच नहीं बोलूंगा तो अपराध होगा। DLED वाले और BED वाले का झंझट आपने देखा था, उस समय की समस्या ये थी, उस समय मैं खुद में ही पढ़ाने क्रम में नहीं जानना था कि कौन DLED है, कौन BED है, कौन NIOS है, तो मैं खुद नहीं जानना था। लेकिन जब अचानक मुद्दा आया, राजस्थान से बढ़ते हुए वो गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने BED वालों को 1-5 से छाड़ दिया जी। तो छाड़ दिया, हाँ, उसके ऊपर कौन है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। ये उम्मीद थी कि आपको सरकार जाएगी, सरकार कहीं भी गई, याचिका वापस भी ली जी, सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया, BED वाले बाहर हो गए जी। NIOS वाले तमाम छात्र, चाहे 14 लाख हो, 14 अरब हो, मेरी गहरी सहानुभूति है। मैं ये भी नहीं जानता हूँ कौन NIOS वाले हैं, NIOS वाला कोर्स कैसे होता है, हम तो पढ़ाने से मतलब था, सब पढ़वाए हमारे गुरुकुल के सारे शिक्षक, जम के पढ़ाए, रिजल्ट जम के हुआ। लेकिन NIOS वाले पर तलवार लटकी नहीं है, तलवार चल गई है, लटकी नहीं है, चल गई है। और ये किसी कंफ्यूजन में, किसी केस लड़ने के चक्कर में, किसी आंदोलन के चक्कर में न रह के पूरी तरह से ईश्वर, भारत सरकार, सर्वोच्च न्यायालय इस पर जो करे सो करे, वह बालू में सुई तलाशने के समान है। मिल गया तो हो भाग्य, अन्यथा वर्तमान में छठी छोड़ के जो अभी हुआ है जी, जो ज्वाइन किए हैं TR1 और TR2.0, इसमें जो NIOS वाले छात्र हैं वे हताश तो है ही। मैं माननीय अतुल प्रसाद सर को कहूंगा कि सर, 1 में BED वाले परीक्षा दे चुके थे जी। उस समय आप लोगों ने बात की, सरकार ने प्रयास किया, सरकार का प्रयास काबिले तारीफ था, अंततः BED वाले को हटना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है, उसके आदेश सरकार, संस्था, व्यक्ति, आयोग, किसी पर भी सीधे प्रभाव से लागू होता है। यह निसंदेह उत्तराखंड के संदर्भ में दिया गया निर्णय है, लेकिन उत्तराखंड हिंदुस्तान में ही है, इसलिए यह निर्णय हिंदुस्तान के सीमा के अंदर रहने वाले हर राज्य, हर उन छात्रों पर लागू होती है जिन्होंने NIOS से 18 महीने का डिप्लोमा लिया है। वे समझ जाए कि अब भगवान, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इच्छा ही सब कुछ कर सकती है, अन्यथा वे इससे बाहर हैं। सर, वह एक प्रस्ताव कह रहे हैं, उनके कहना है, जो भी अभ्यर्थी किए हैं, कि जिस तरीका से पटना हाई कोर्ट ने जब कह दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोला कि पटना हाई कोर्ट इसमें कुछ गलती किया है और इनको फटकार भी लगाया, बोला भी, तो अभ्यर्थी यही कह रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट जब आदेश दिया, उसके बाद उत्तराखंड भी दिया, तो हम लोग मजबूती से करने लगे। लेकिन उसमें साफ कहना है कि जो शिक्षक पहले से थे, केवल उनके लिए अलाउ किया गया था, सभी के लिए अलाउ। बिल्कुल लड़के पूरा, एक बात मामा को बता दें, खुल के बता दें, लड़के आज बोलेंगे कहोगे पकड़ा गया है, तो खुल के हम बता दें आपको कि लड़के कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो एक तो पूरा का पूरा नोटिस ठीक से नहीं पढ़ते हैं, कर दिए। इनको जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं 2 साल पहले से लिखा हुआ है, हाँ, जो लिखा हुआ है कानून की बात मैं जानता हूं, जो लोग ऑलरेडी शिक्षक हैं उनको 5 साल का मौका दिया गया है कि वे DLED कर ले, लेकिन जो शिक्षक है ही नहीं उनको मौका का मतलब ही नहीं। अब एक एक उपाय है, माननीय अतुल प्रसाद सर लेट ना करें जी, कहीं लेट ना हो जाए, कल चुपचाप
एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के स्पष्ट रूप से सही बोल दे कि एनआईओएस वाले पर तलवार लटकी नहीं है, तलवार चल गई है। भारत सरकार सर्वोच्च न्यायालय जो करेगी वो हम लोग सोचेंगे। एक अभ्यर्थी बोल रहे हैं जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं जो लोग, तो वो लोग बोल रहे हैं कि जिस तरीका से सरकारी शिक्षक का गाइडलाइन होता है ठीक उसी प्रकार हम लोग का भी गाइडलाइन होता है, सरकार के द्वारा ही हम लोग करते हैं, प्राइवेट पढ़ाते हैं तो प्राइवेट वाले किए हैं जो भी वहां से लिखित लेते हैं प्रिंसिपल से और वो लोग एनआईओएस से किए हैं, क्या उन पर भी अब कोई समस्या, उन पर भी तलवार लटका हुआ है या उनको राहत मिल सकता है? देखिए एक बात बता दूं मैं आपको कि प्राइवेट स्कूल तो यहाँ कुकुरबुत्ता जैसा है जी। जो प्राइवेट स्कूल सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है जी। उन अगर वो अपील गहराई से करते हैं तो उनको मौका मिल सकता है, क्योंकि दे हैव राइट वो राइट है उनको है कि मैं योग्य था और सीबीएसई थ्रू आईसीएसई थ्रू मेरा ये स्कूल और था जहां मैं पढ़ा रहा था वो ये था, 5 साल के अंदर वो मिल सकता है। अदरवाइज बाकी जो शिक्षक है ही नहीं वे अपने आप को रिस्क से अलग समझे। मेरी मेरा अनुरोध होगा, गाली देना होगा दे लीजिएगा, लेकिन सच बोलना मेरा धर्म था, मैं गुरु हूँ और गुरु सच ही बोलता है, फटकाए रहने से ज्यादा अच्छा यही है। लेकिन याद रखिएगा भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। या दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब अतुल प्रसाद सर से हम कहेंगे कि हुजूर बहुत हो गया हुजूर, अब सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका दे दीजिए, नियोजित शिक्षक को बिना कोई परीक्षा लिए राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट बढ़ा के, अब तो बढ़ जाएगा विद्यार्थी बढ़ा के जल्दी से जारी कीजिए और एनआईओएस से जिसने भी डिप्लोमा लिया था उनके बारे में स्पष्ट रूप से दिल खोल के सामने आके बोल दीजिए कि तुम लोग के साथ ये होगा, इनको भगाने की जरूरत नहीं है। जो भी अभ्यर्थी एनआईओएस से किए हैं एक एक बिंदु पर जो आपके अंदर कंफ्यूजन था रामान सर से चर्चा किए, एक एक बिंदु पर खुलकर बोले, आप अपना भी विचार, कोई अगर क्वायरी हो या किसी भी प्रकार का कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं सर से इस पर चर्चा करूंगा। सर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।